सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। अब देखो यार, ये वीडियो अगर तुम क्लिक किए हो, आरवीएस की वीडियो है वगैरह वगैरह ये सोच करके, तो एक चीज मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं करने वाला हूँ एक यूट्यूबर के वीडियो का रिव्यू, वो भी भाई प्रॉपर तरीके से रिव्यू देने का मैं ट्राई करूंगा। पता नहीं कैसा वीडियो बनेगा, वो तो मुझे खुद आइडिया नहीं है, बिकॉज मैं ये वीडियो देख के डायरेक्ट मतलब अपना ओपिनियन देने का ट्राई करूंगा। अब तुम बोलोगे यार, किसी के भी वीडियो पे जाकर के ऐसे ओपिनियन देना क्या ये सही रहता है? देखो, इसमें वो चीज़ गलत है, बट मुझे खुद वीडियो भेजा गया है। अब ऐसा क्यों? जब मेरे 3K सब्सक्राइबर्स हुए थे ना, तो मैंने अनाउंस किया था, अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो प्लस तुम एक यूट्यूबर हो और तुम अपने चैनल का रिव्यू करवाना चाहते हो या फिर प्रमोट करवाना चाहते हो, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे अपने चैनल का लिंक भेजना जो तुम्हें अच्छा लगता हो। तो इस वजह से हॉक्स यूनाइटेड ने भी मुझे भेजा था, और उसका वीडियो यार इस लायक है कि रिव्यू किया जाए, वरना बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे वीडियोस भेजे थे ना भाई, देख के ही नहीं लगता कि कैसे देख ले, पर मैंने देखा। और हाँ, बहुत कम लोगों को मैंने चूज किया जिसके वीडियोस उस लायक पहुंचते हैं जिन्हें रिव्यू करना चाहिए। और हाँ, अगर तुमको पसंद आता है इसका वीडियो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके चैनल की। तो यार, सबसे पहला बंदा जिसको मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस वीडियो पे, बिकॉज इसके और भी फ्यूचर में पार्ट आएंगे और ये पहला पार्ट है, और पहले पार्ट में मैं रिव्यू करने वाला हूँ हॉक्स यूनाइटेड का। यूट्यूब पे जाकर सर्च करो, और अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ तो ये यहाँ का रोस्टर है, एनिमे कम्युनिटी का रोस्टर बोलूँ तो गलत नहीं होगा। तो आओ उसके एक वीडियो को रिव्यू करते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा अब तक का। चलो सबसे पहले चैनल चेकआउट करते हैं इस महापुरुष का। तो यार, इस चैनल का नाम है हॉक्स यूनाइटेड, जिसमें 125 सब्सक्राइबर है फिलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसने 24 वीडियोस अपलोड किया है। हाँ, वीडियोस थोड़े कम है पर अच्छे वीडियोस है। और इसके अगर हम पहले जाए अबाउट सेक्शन की तरफ, तो अबाउट सेक्शन में हमें देखने को मिलता है, डिस्क्रिप्शन में लिखा है लोंडे ने, हे यो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं छोटा बच्चा हूँ जो एनिमे देखकर अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ और फिर उन एनिमे पे वीडियो बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि व्यूज चाहिए ब्रो। ओके, वैसे कभी कभी दूसरे यूट्यूबर्स पर भी वीडियो बना देता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा मन करे। नेम अभिनय, बिजनेस ईमेल भी दे रखा है, और इतना सब पढ़ लिया है तो सब्सक्राइब कर दो। 100 सब्सक्राइबर कब हुए थे? 5 फरवरी 2022 को। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है क्या? मतलब कि इस 5 तारीख को 1 महीना हो जाएगा, पर हम इसे ज़्यादा टाइम नहीं मानेंगे। तो यार, आज हम जिस वीडियो का रिव्यू करने वाले, उस वीडियो का नाम है, सॉरी मतलब टाइटल है, हाउ टू बिकम इंडियाज बेस्ट एनिमे ट्यूबर FT, क्या है, बड़े लोग इंडियन एनिमे सी डॉट 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 जो भी है। चलो क्लिक करते हैं, क्या चलता है देखते हैं। तुमने एक अपनी मिनट फ्यूचर यार, दिखी हम जो फुल क्वालिटी में देखेंगे। यो पर्सन का, तो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में जो एनिमे देख देख के बर्बाद कर दी। कभी तुमने अबे कब ये सोचा कि एडिटिंग तुम किस अगले साल लेवल की की है सोचोगे बे? कि तुम इंडिया सच्ची में बंदे ने अच्छा एडिटिंग किया है। के बिगेस्ट एनिमे ट्यूबर या कहूँ एनिमे का दलाल कैसे बन सकते हो? और मुझे पता, तुम में से बहुत लोग इतने आलसी होगे कि उन्होंने नहीं सोचा होगा। तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ, मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए, और वॉच टाइम ये चाहिए और साला व्यू कौन चाहिए। सा ऐची एनिमे का ना हेंटाई का क्लिप लगा के रखा है इसने एडिटिंग। मतलब भाई, तेरे को कम्युनिटी गाइडलाइन वाले आके मार के जाएंगे, पर फिर भी वीडियो देखने में मजा आएगा। तो मेरे वीडियो देखो और तुम समझ जाओगे। तो हियर वी गो। अबे इसको स्ट्राइक नहीं पड़ता या फिर क्लेम नहीं पड़ता म्यूजिक के वजह से, पर म्यूजिक मस्त है। स्टेप नंबर वन, नाम। हाँ, भी वही चीज है जैसे तुम जैसे बड़े होकर पहचान मिली है। इस दुनिया में कोई तुमको भड़वा या चूतिया का इसलिए नहीं बुलाता क्योंकि तुम्हारे पास एक नाम है। बट जब भी बात आती है यूट्यूब हाँ के ऊपर नाम रखने की, या कहूँ एनिमे इंडियन कम्युनिटी के ऊपर यूट्यूब में नाम रखने की, तो तुमको अपनी क्रिएटिविटी, सावधानी, तुम्हारे दिमाग में जितनी भी अच्छी थॉट आ रहे हैं, जितने भी यूनिक आइडिया आ रहे हैं, मतलब कतई दुनिया फाड़ आग लगाने वाले आइडिया, तो उनको एक थैले में बंद करो, उनको आरजे उठाकू ओ बच्चे भाई, बच्चे फेंक आरजे दो। ओटाकू गया बेटा तू। वैसे आरजे ओटाकू का अलग है, मतलब वन पीस कम्युनिटी में इसको ट्रोल हर कोई करता है, बाकी सारे कम्युनिटी में भले इसको कोई कुछ नहीं बोलता, पर वन पीस कम्युनिटी में कुछ ज्यादा इसको ट्रोल करते हैं। जैसे इसने बोल दिया इसको कचरे का पेटी समझ के फेंक दो। लिटरली भाई, बोरुटो कम्युनिटी में इसकी शायद इज्जत बहुत ज्यादा होगी, पर वन पीस कम्युनिटी में जिस तरह से इसने बोल रखा है काइडो का रियल नेम मंकी डी गार्प है, सच्ची में इसको कचरा बना के रख दिया है। क्योंकि उसका चैनल कूड़ेदान से कम नहीं है। और अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये कुछ यूनिक नहीं करना, कुछ अलग नहीं करना, तो क्या करना है भाई? तो देखो, तुम लोग को कुछ शब्द दिए जाते हैं इंडियन एनिमे कम्युनिटी के ऊपर, वो है वीब, ओटाकू, एनिमे और
वीप। देखो अब तुम लोग सोचो, अच्छा ये वीप दो बार बोलने का क्या जरूरत था बे? इतने शब्दों से भाई क्या कर सकते हैं? तो देखो इस इन शब्दों से ना तुम बहुत अलग अलग तरीके के ना नाम बना सकते हो, जैसे आरजी ओटाकू, एनिमे टीएम टॉक, और ओटाकू स्टार प्लस खालिस्तानी स्कल टू ओटाकू स्टान। और अगर तुमको आउट ऑफ द वर्ल्ड दिखना है, मतलब सबसे अलग दिखना है, तो तुम अपने नाम के आगे हिंदी लगा सकते हो, जैसे हिंदी ओटाकू। और इस तरह से जन्म होता है। क्या मतलब है कि मेरा भी चैनल का नाम आरबीएस एनिमे हिंदी है? एनिमे तो लगाया, हिंदी भी लगा दिया सच में, बस ओटाकू नहीं लगाया हमने। पर क्या मतलब कि हम ओटाकू है? हैं करके नेम का, हाँ नाम का भी जन्म होने लगा है मेरे चैनल पे। अब देखो तुमने थोड़े बहुत एनिमे देखे होंगे जिनके बारे में तुम्हारा खुद का कोई ओपिनियन होगा, जैसे डीमन स्लेयर के एनिमेशन छोड़ के उसमें कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि सब नॉर्मल है। डीमन स्लेयर इज मास्टरपीस। कैसे बोलते हो तुम कि सारा डीमन स्लेयर मास्टरपीस नहीं है? डीमन स्लेयर बेस्ट एनिमे अब तक का, उसका एनिमेशन लेवल देखो। क्या मतलब कि बीएनएफटीवी ने बोल रखा है कि डीमन स्लेयर का बाप अटैक ऑन टाइटन है? छोड़ो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नॉट फॉर दिस वीडियो इज कॉन्ट्रोवर्सी, ये वीडियो बस एक इंजॉयमेंट के लिए। इसमें सब टिपिकल एनिमे जैसा, जैसे कि तुम बोल सकते हो कि उसमें वो एक भाई है, उसका परिवार गुंडा मार देता है, गुंडे को मार निकल जाता है, या कोई अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग बेकार है, जो कि वो सच में इसमें मजाक करने की बात नहीं है, ठीक है। एक बार तुमको अपने ओपिनियन सुनो, अटैक ऑन टाइटन का जो एंडिंग को लेकर के लोग बोलते हैं ना, मैं अटैक ऑन टाइटन के एंडिंग को लेकर मैं खुश था, सच बता रहा हूँ। बाकी लोग जैसे बोलते हैं कि अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग इतनी खास नहीं लगी मुझे वगैरह वगैरह, क्या चाहता था भाई, मिकासा को जीन के साथ शादी करवा देते हो वो। बट मैं एक चीज बोलूंगा, अटैक ऑन टाइटन को बोरुटो की तरह जैसे सेकंड जनरेशन लाया नारुतो का, उस तरह से लाना वो एक तरह से चुतियापा होगा। अगर नहीं लाता है तो भाई बहुत बढ़िया बात है, मैं अटैक ऑन टाइटन को एंजॉय किया सच बता रहा हूँ, और एंडिंग भी मुझे चलता है मेरे लिए। पर बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आया, क्या चाहते हो जीन और मिकासा का शादी हो जाता। खैर जिस तरह से राइटर ने एंडिंग दिया है हमें अप्रिसिएट करना चाहिए, और एनिमे में जो भी चुतियापा होगा मैं नहीं देख रहा, सिंपल। बट तुमको अपने अभी कौन सा एनिमे है जहां पर ऐसे ये वाला, ये कौन सा एनिमे मुझे भी बताना, या फिर हेंताई है? हेंताई है तो मैं नहीं देख रहा, पर एनिमे है तो मुझे दे दे, मैं देख लूंगा ये वाला एनिमे। हॉक्स तू ये वीडियो देख रहा ना, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो तुमको अगर इंडिया का बेस्ट एनिमे का दलाल बनना है तो तुम वो बोल, पता नहीं मुझे ठीक से याद नहीं है, बहुत टाइम पहले देखा था, पर शायद हाई स्कूल डीएसडी है, पता नहीं कौन सा है, या फिर हेंथा ही है, मुझे ठीक से नहीं पता। तो जो लोगों को सुनना है वो नहीं जो तुम सुनाना चाहते हो, जस्ट लाइक एनिमे टीएम टॉक्स आईओटी का टाटा चिकेड़ी सुती हॉलीवुड ई देसी मुंडे आंदे सोने बॉलीवुड म्यूजिक दी बेस्ट। स्टेप नंबर 3 लिटरली, मतलब अगर एनिमे डीएम टॉक वालों ने इसका वीडियो देख लिया, सच बता रहे इसके ऊपर रेड मार देंगे, मतलब जिस तरह से इसने बोल दिया ना डायरेक्ट। वैसे यार कुछ टाइम से एनिमे डीएम टॉक बस एओटी पे वीडियो बनाता ज्यादा दिखा है, जब से एओटी पे वीडियो मतलब क्या बोल रहा भाई मैं, हाँ तो मैं जैसे कि कह रहा था कुछ टाइम से एनिमे डीएम टॉक यार अपने चैनल पे एओटी के ज्यादा वीडियो बना रहा है, जिसपे कोई डाउट नहीं है उसको बकना चाहिए, बिकॉज एट दी एंड वो सब एनिमे पे बनाता है, पर अब थोड़ा एओटी पे ज्यादा व्यूज आते तो हर बंदा यार इस पे बना रहा है। देखो तुमको कार्टून को इतनी गाली देनी है, इतनी गाली देनी है जितने ना इंडिया में टेक्निकल चैनल भी नहीं है उससे भी ज्यादा गाली दो। ये बात पे मैं एग्री करता हूँ। अब देखो इस बात पे मैं पूरा 100% एग्री करता हूँ। इसका वीडियो में ये आगे क्या बोलने वाला मुझे नहीं मालूम, पर इसने जब ये लाइन बोल दिया ना मैं समझ गया भाई ये किन की बात कर रहा है। मैं ज्यादातर इंडियन एनिमे कम्युनिटी के लोगों को नहीं पहचानता हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं बहुत लोगों को नहीं जानता, कुछ लोगों का ही नाम सुन रखा है जो लोग पुराने, और ये साला लाइट को भी अभी काटना था। हाँ तो जैसे कि मैं कह रहा था, सच बताता हूँ मैं ज्यादातर एनिमे कम्युनिटी के लोगों को नहीं जानता, खासकर इंडिया में, और मैं फॉरनर्स के तो बिल्कुल भी नहीं देखता। पर फिर भी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैंने बहुत सारे यार वीडियोज देखे हैं जिनका काम रहता है पहले का कार्टून नेटवर्क कितना अच्छा था, आज का कार्टून नेटवर्क कैसा है, पहले क्या होता था, आज के टाइम पे क्या होता था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग छोटा भी मोटो पतलू इन सारे लोगों को लोगों बोलते हैं, इन सारे कार्टून शोज को गालियां देते हैं, और साले यही होते हैं जो बैठ के बचपन में देखा करते थे। भाई एक्सेप्ट कर लो ना, तुम भी देखते थे, पर तुमको अपना फ्लेक्स दिखाना है, व्यूज जो छापने हैं। ठीक है भाई गाली दे रहो, मान लेता हूँ गाली दे रहो, क्योंकि वो चूतियापा ही दिखाती है, पर वो एक टाइम पे एक एज की ऑडियंस को टारगेट करती है।
अब तुम 20 साल के बंदे को डोरेमोन दिखाओगे तो उसको पसंद थोड़ी आएगा यार, उसको पसंद नहीं आएगा। क्योंकि अगर तुमको इंडिया का बिगेस्ट एनिमे ट्यूबर कहूँ, एनिमे का दलाल बनना है, तो तुमको कार्टून नेटवर्क को गाली देना पड़ेगी, ठीक है। और अगर इससे तुम्हारे व्यूज नहीं आ रहे, तुम बना सकते देन वर्सेस नाउ करिए, पुराना कार्टून नेटवर्क कितना अच्छा था और अभी वाला कितना चूतिया है। भले ही तुम उस टाइम पे पैदा नहीं हुए हो तो कोई बात नहीं, विकीपीडिया जिंदाबाद, वहां से छाप सकते हो तुम। फिर तुमको एक वीडियो बनाना जिसमें एनिमे के ऊपर बात करनी है, और अगर तुमने उस पर वीडियो सच्ची में यार इंडियन एनिमे कम्युनिटी को थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ऐसे लोगों को ना दे तो अच्छा रहेगा। बिकॉज ये वही लोग होते हैं जब उस वक्त जब आता था तब देखते नहीं थे ये, पर इनको ज्ञान देना है। जैसे यही साला अकेला दुनिया भर का इन्हें व्यूज लाते थे। अभी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, अभी भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके 20,000 25,000 हैं, पर उनका धंधा क्या चलता है? एनिमे ने इंडिया, कौन सा एनिमे आ रहा है इंडिया में? भले ही म्यूज एशिया में साला यूट्यूब पे फ्री में एनिमे देखने को मिलता है, बहुत सारे शोज हैं, पर वो सपोर्ट नहीं करना। एग्जाम्पल देता हूं, दैट टाइम आई गॉट री इनकार्नेटेड एज स्लाइम, एक बहुत अच्छा मतलब है देखने लायक। फिर जो जो है, कोड गियास है, टीजिंग मास्टर तागाकी सान का सीजन 3 है, री जीरो जीरो भी है, अवेलेबल है, हाँ? री जीरो भी अवेलेबल है। री जीरो बोला बे, पर इन सब के ऊपर नहीं बनाना है कि भाई इंडिया में उपलब्ध है फ्री फोकट का जाके देखो, नहीं, इनको बनाना है उस पे कब टीवी पे आएगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं आने वाला। बिकॉज इंडिया का पॉलिसी उस हिसाब से है कि यार लोग वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे ही ज्यादा अच्छा लगेगा। यार मैं खुद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो तो ज्यादा देखना पसंद करूंगा। अगर कल को वन पीस नेटफ्लिक्स पे आता है मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा बजाय कि टीवी के। बिकॉज अगर टीवी पे हिंदी डब आएगा चूतिया ही हिंदी डब होगा, मुझे जहां तक एक्सपेक्टेशन है। अभी मैं तुमसे ही पूछता हूँ, कल को अगर मान लो वन पीस हिंदी डब आने लग जाता है, क्या तुम हिंदी डब देखोगे या फिर इंग्लिश डब या जापानीज डब देखोगे? मुझे जहां तक मालूम है तुम लोग हिंदी डब नहीं देखोगे। तो इस वजह से यार वो सब चीजें, अगर तुम मेरी ऑडियंस होकर वो सब चीजें करते हो, मत करो। नहीं तो तुम काहे को एग्जिस्ट कर रहे हो इंडियन एनिमे कम्युनिटी में, क्योंकि तुमको वो वीडियो बनाना पड़ेगा, वरना तुम इंडियन एनिमे कम्युनिटी का हिस्सा ही नहीं हो। और भले तुम उस टाइम पे पैदा नहीं हुए हो, तुमको पता नहीं एनिमे क्या चीज है, उसमें कौन से शोस आते थे, तो क्या बात है, फिर से विकीपीडिया पे जाओ और छाप दो जस्ट लाइक इंसेंटिव भी भैया। वो बात अलग है, बाद में तुम्हारा चैनल डेड हो जाएगा अगर तुम इसी टॉपिक पे वीडियो बनाते रहे। बट फर्क किसको पड़ता है, हमको बनना है इंडिया का बेस्ट एनिमे का दलाल। तो इनसाइन टीवी, एक मिनट रुको, स्पेलिंग भी क्या लिख रहा हूँ यार, और ये आ गया। 85 के सब्सक्राइबर्स है लोंडे के, डाला क्या है, छोड़ दो यार ऊपर वाला। नरुटो फैंस आर गे, ठीक है भाई, टॉप 10 एनिमे एयर्ड इन इंडिया, ठीक है। तन्मय, छोड़ दो इसको, इग्नोर मारो तन्मय भट्ट, वैसे मैं जानता ही नहीं हूँ। तन्मय भट्ट का नाम बहुत सुना है मैंने, पर वो बनाता क्या अपने चैनल पर मुझे नहीं मालूम। टॉप 10 मोस्ट हाइप एनिमे इन 2022, टॉप 10 एनिमे यू शुड वॉच बिफोर यू डाई, हाउ टू लर्न जापानीज इन इंडिया, क्या द मोस्ट हेटेड बोरूटो नरूटो नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, स्मॉल अपडेट बिग चेंजेस इन साइन, अच्छा, फ्रीडम ऑफ एरन येगर, अटैक ऑन टाइटन, स्टोरी ऑफ लूजर, टोक्यो रिवेंजर्स, आई फ्लटेड विथ ओटाकू गर्ल ऑन ओमेगल। मैं भी कल से बना रहा हूँ भाई ये सब चीजें, छोड़ो साला वन पीस पे ये सब, मैं भी कल से बना रहा हूँ। हम बनेंगे। अबे हॉक्स, तेरे को गाना बजाना जरूरी है? तू हर बार वीडियो पे ऐसे गाना क्यों यूज करता है जिसमें कॉपीराइट क्लेम आए? हाँ लोग मिलकर दिन भर जरा पीछे चलते हैं। एनिमे ग्रुप, अब तो मैं से बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये क्या नहीं बला चुकी है, हम लोगों को नहीं पता ये क्या चूतिया चीज है। देखो एनिमे ग्रुप वह चूतिया जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर दिन भर बस एनिमे की बात करते रहते हैं, खुद की जिंदगी के लोड़े लगाते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे बस उनको कुछ मतलब नहीं, एनिमे के बारे में बात करो कुछ दुनियादारी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इन ग्रुप के ऊपर कुछ और ग्रुप है जो राज करते हैं, वो ग्रुप कुछ इस तरह है, ड्रैगन के टट्टे मीन ड्रैगन बॉल, दुनिया को ज्ञान देने वाला, ज्ञान चोदने वाला देने वाला, तुम कुछ बोल सकते हो, नरूटो और थाताकाई करके दुनिया की मां चोदने निकल जाने वाला बंदा, अटैक ऑन टाइटन का फैन। और अगर तुमको जल्दी ग्रो होना और अपनी
अपनी सेफ्टी और सब कुछ प्यार ही ना, तो तुम में से कोई ना कोई ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। और मेरी मानो तो नरूटो ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि देखो इसके जो चूतिया लोग होते हैं तुम्हारे एक इशारे पे दूसरे यूट्यूबर की माँ खुद निकल जाएंगे। और जिन लोग के ये इतने चूतिया लोग होते हैं कि ये लोग नरूटो देखने के बाद लाइफ ऑफ नरूटो देखते हैं, तो इनसे सब्सक्राइबर पाना ईजी होगा बहुत ज्यादा। तो मेरी बात मानो, नरूटो ग्रुप में जाओ और अभी बन जाओ नरूटो टटा। देखो यार एक मिनट सुनो, नरूटो फैंस अगर तुम इसमें भड़कने वाले हो या फिर ड्रैगन बॉल फैंस इस पे अगर तुम भड़कने वाले हो, तो इस बंदे ने किसी नरूटो या फिर ड्रैगन बॉल को गाली नहीं दिया है, पहले ये समझो। इसने उनके जो टॉक्सिक फैंस होते हैं उनको गाली दिया है। तो यार एक तरह से गाली भी नहीं दिया है, मैं इसको गाली नहीं मानना चाहूंगा, एक तरह से इसने यार उनको मजे लिए, तो इस वजह से मजा भड़कने वाला बात नहीं है। और हाँ, वन पीस के भी फैंस ऐसे हैं, मैं मानता हूँ वन पीस के फैंस भी ऐसे हैं जो खासकर कुछ ज़्यादा ही हैं, और फ्यूचर में ये और ज़्यादा होने वाले हैं, बिकॉज इनको लगता है कि वन पीस से बेटर हो ही नहीं सकता। हो सकता तुमने वो सीरीज देखी नहीं होगी, इस वजह से तुम्हें लगता है। वैसे ग्रुप की मैं बात करना चाहूँगा, ऐसे ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज जब मैं कम्युनिटी में नया नया था, अराउंड मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए थे, उस वक्त मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुआ था। भाई कसम से बता रहा हूँ, मतलब मैं दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप घुसा ही नहीं, मैंने छोड़ दिया, लीव कर दिया। वो मन ही नहीं किया भाई, वो सारी चीज़ें होती रहती है, मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है, तो इस वजह से यार इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो कम्युनिटी में चल रहा है। सही पड़ा, ओवररेटेड बस ये वाला पॉइंट मुझे अच्छा लगा। एनिमी अब देखो, तुमको इस वीडियो में बस 5-6 एनिमी उठा लेने हैं, आप देखो ओवररेटेड बोल देना है और आप देखो अंडररेटेड बोल देना है, फिर अंडररेटेड अच्छा। के नाम पे तुम भले अटैक ऑन टाइटन ही क्यों ना बोलो। और देखो इन भाई के ऊपर मैं कुछ शब्द नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये भाई ये महापुरुष का मैं कुछ नहीं बोलने वाला, बिकॉज ये महापुरुष वो बंदे हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, बट करना क्या है भाई, अटैक ऑन टाइटन को स्कूल में पढ़ाओ, बात खत्म, और कुछ नहीं बोलना मेरे को। अटैक ऑन टाइटन को इंडियन के स्कूल में पढ़ाया जाए, जिनको खुद की हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, वहां अटैक ऑन टाइटन पढ़ाने की बात कर रहे हैं, लाइक व्हाट द फक इज दिस ब्रो। तुमको जापान टटा बनना है तो जापान में जाओ, वहां जाकर अपने जापानी टटागिरी दिखाओ, यहां हमको नहीं बनना जापानी चौधा, हम इंडियन ही ठीक है, हमको अपनी संस्कृति के बारे में जानने दो, बट नहीं हम अटैक ऑन टाइटन दिखाएंगे, एनिमे का चौधा बनेंगे। तो भाई इनके ऊपर मैं बस एक ही वर्ड बोलूंगा कि भगवान इनकी दिमाग की आत्मा को शांति दे, और इनके सब्सक्राइबर जो कमेंट अच्छे कर रहे हैं वो लोड हुए हैं बिल्कुल, ठीक है। लाइक कौन भाई, एक बात मैं तुमको बोलना चाहूंगा, सुनो, कल को अगर ओडा भी ये सारी चीजें आकर के बकचोदी करेगा ना, जैसे नरूटो का नेक्स्ट जनरेशन बोरुटो आया भाई, वो सब करेगा और फालतू बनाएगा, तो मैं जरूर बोलूंगा। अब टीटे कुबो ने ब्लीच का हेल आर्क स्टार्ट किया, ठीक है, अब अगर हेल आर्क फ्यूचर में चूतिया निकलेगा तो मैं जरूर चूतिया बोलूंगा, जरूरी नहीं है, मैं ब्लीच का डाई हार्ड फैन हूं, बट मैं ब्लीच अगर चूतिया निकलता आगे जाकर तो मैं जरूर बकूंगा, इसमें कोई हैरानी नहीं होना चाहिए। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर तुम कोई सीरीज पसंद आता है तो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दो भाई, इसका मतलब ये थोड़ी को कल मैं ये बोलने लग जाऊं कि मैं मतलब वन पीस का डाई हार्ड फैन हूं, तो भाई मैं स्कूल में पढ़ाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो बहुत ही बड़ा चूतियापा होता है। साथ ही साथ अगर मैं ये बोलने लग जाऊं तुम्हें आकर के अचानक से, कभी अगर फ्यूचर में मेरे भाई अगर 1 मिलियन या फिर चलो 10,000 भी हो जाते हैं ना, और फ्यूचर में तुमको ऐसा बोलता फिर कि इस एनिमे या इस मांगा को भाई स्कूल में रिकमेंड करना चाहिए, मेरे को उस दिन ना अनसब्सक्राइब कर देना, और जहां सड़क पे मिल जाओ चप्पल फेंक के मारना। स्कूल में अटैक ऑन टाइटन पढ़ना चाहता है, मैं तो नहीं चाहता। ये कौन है? ओ भाई क्लिक बेट। वैसे मैंने भी बहुत बार क्लिक बेट किए हैं, जिस पर मैं माफी मांगता हूँ, पर क्लिक बेट एक हिसाब से अच्छा भी होता है, एक हिसाब से बुरा भी होता है। क्लिकबेट होते रहते हैं, बहुत कोई क्लिकबेट करता है यार, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो क्लिकबेट नहीं करता, क्लिकबेट हर यूट्यूबर करता है। देखो तुम मेरे, एक बात बोलो इसके वीडियो पे जाने से पहले, मेरे चैनल पर पक्का क्लेम आने वाला है, मैं समझ गया हूँ, पर मुझे लगता है कि नहीं आएगा, मैं ट्राई करूंगा, मैं ये सीन्स कट कर दूंगा।
बेस्ट इंडिया का एनिमेटर बनना सीख रहे हो और क्लिकबेट के बारे में ना जानो तो ऐसा हो नहीं सकता। देखो क्लिकबेट करने वाले भी दो भागों में बटे होते हैं, एक भड़वा ग्रुप और एक होता है मासूम ग्रुप। मासूम ग्रुप वो होता है जो क्लिकबेट तो करते हैं बट उस क्लिकबेट के ऊपर थोड़ा अपने वीडियो में पार्ट रखते हैं, जिनमें मैं भी आता हूं क्योंकि मैं मासूम बंदा हूं, ठीक है। और भड़वे ग्रुप में आता है गेमिंग ग्रुप की। हां ये वही बंदा है जो पैदा हुआ था उस दिन डॉक्टर ने इसको बोला था कि कांग्रेचुलेशन आपके घर पे क्लिकबेट पैदा हुआ है क्योंकि इसके हर वीडियो में क्लिकबेट देखने को मिल जाएगा, सरीना 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 सरीना। मेरा भाई दिमाग खराब हो जाता है जब भी मैं इसका चैनल खोल के देखता हूं, वहां पर सरीना के अलावा कुछ ही नहीं, इसका पूरा चैनल सरीना के ऊपर चल रहा है। भाई साहब तू 18 साल से ऊपर है तो तू पीडोफाइल कहला रहा है, 10 साल की बच्ची को कितना मिल करेगा तू? और मिल का मतलब वो वाला नहीं जो तुम हम लोग समझ रहे हो, ठीक है, मेरा दूसरा मतलब है, समझ जा। खैर पोकेमोन कम्युनिटी के लिए मेरे पास अलग से एक प्लान है तो उस पे कभी और चर्चा करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट पे तुमको लाइक सब्सक्राइब की भीख मांगने का, तुमने ये सब स्टेप फॉलो किए तो तुम बन जाओगे इंडिया के बेस्ट एनिमेट्यूबर या कहूँ एनिमे का दलाल। और हाँ तुम लोग मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर डालो भाई, खत्म कर दो। अब देखो यार इस बात पे मैं फाइनल बात पे कुछ नहीं कहने वाला बिकॉज मैं पोकेमॉन कम्युनिटी से नहीं जुड़ा हुआ, मतलब पोकेमॉन मैं देखता नहीं हूँ। हाँ जब छोटा सा देखता था पर आज मैं नहीं देखता हूँ, तो मैं इस बारे में जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने पोकेमॉन कम्युनिटी के वीडियोस नहीं देखे तो इस वजह से मैं नहीं कह सकता, अपना ओपिनियन भी नहीं दे सकता, तो माफ करो भैया। अब देखो यार इसका तो वीडियो हो गया खत्म और इस वजह से वीडियो खत्म हो गया और मुझे ये वीडियो पसंद आया तो इस वजह से हम करने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज वीडियो पसंद आता तो क्या करते हैं तुम सब जानते हो। अब वीडियो जो है मेरा वाला खत्म नहीं हुआ बिकॉज अभी हम जाएंगे और डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। और मैं लिटरली बता रहा हूं जब मैंने डिस्क्रिप्शन खोला ना, ये क्या है बे, नारुतो बेस्ट नारुतो एक्स साकुरा नारुतो सॉरी सास्के एक्स सास्के नारुतो लव ट्रायंगल नारुतो रोस्ट नारुतो वन पीस से अच्छा नारुतो स्ट्रेस नारुतो इज मास्टरपीस। और भाई स्टार्टिंग वाला तो मैं पढ़ा ही नहीं भाई, मतलब इतना क्या नारुतो से प्यार है भाई यार, तुमको मैं क्या बोलूं। जैसा आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देखा है वैसा कुछ नहीं होगा इस वीडियो में क्योंकि मैं आपका काटने के लिए आया हूं, तुमको एनिमे का ठीक है। वैसे अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देने जाऊं कि इसका चैनल अगर तुम एक ऑडियंस हो तो किस हिसाब से सब्सक्राइब करो, सिंपल अगर तुम टाइम पास करने जाते हो, तुम मतलब इंजॉय करना चाहते हो, हंसना चाहते हो भाई, मजे लेना चाहते हो किसी भी कम्युनिटी की एज ए फन वे, तो जा करके इसके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और अगर कल को ये बंदा यार वन पीस के कम्युनिटी पे भी वीडियो बनाएगा ना, मैं जरूर इंजॉय करूंगा और मैं चाहता हूँ यार ये बनाए, इसका नेक्स्ट वीडियो मैं देखना चाहूंगा किस पे बनाता है। वैसे हॉक लॉर्ड ऑफ हरामी ने तेरे लिए एक मैसेज भेजा, तू बहुत आगे जाएगा और मुझे लगता है कि तू बहुत आगे जाने वाला है। वैसे मैं नहीं बोलूंगा तू मुंबई आने वाला है बट हाँ तू बहुत आगे जाने वाला है, तो यार ऐसे वीडियोस बनाते रहो और हाँ वीडियोस यार डाला कर, हफ्ते में कम से कम एक वीडियो का ट्राई कर ताकि तेरा चैनल डेड ना हो और ऐसा ही एक्टिव रहे। साथ ही साथ अगर तुम लोग को इसका वीडियो पसंद आता तो इसका चैनल को जरूर जाके चेकआउट करना मत भूलना। और हाँ जब हमारे 10K सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तो मैं ये सीरीज को आगे और कंटिन्यू करूंगा और बहुत सारे यूट्यूबर्स को और प्रमोट करूंगा। साथ ही साथ वो जो 3K वाला जो स्पेशल वीडियो है इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो इस वजह से यार दिल थाम के बैठो, पार्ट 2 भी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आएगा जरूर। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।